तो वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तेजी से वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है। इसी के तहत जयपुर क्लब में भी वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। शिविर में क्लब के सदस्यों और स्टाफ को वैक्सीन लगाए गए। इस दौरान चिकित्सा विभाग ने क्लब को कोविशील्ड की 300 डोजेस उपलब्ध कराई। क्लब के अध्यक्ष अनिल व्यास ने बताया कि स्टाफ के स्वास्थ्य की प्राथमिकता को देखते हुए शिविर लगाया गया, जिससे समय पर वैक्सीन लगाकर कोरोना संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का ये था कि हर आम आदमी को टीका फ्री लगाना चाहिए, और उन्होंने ही सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर से ये डिमांड की थी कि हर आदमी को फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया जाए। हमारे क्षेत्रीय विधायक और मंत्री प्रताप सिंह जी खातरियावास और रघु शर्मा जी, इन सबके प्रयासों से आज ये जयपुर क्लब में कैंप लग रहा है, जिसमें हमारे जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं और यहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं, उन सब के लिए हम फ्री वैक्सीन यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन आज यहाँ लग रही है, 3 बजे तक ये लगेगी। यहाँ पर कोविशील्ड की राज्य सरकार द्वारा 300 वैक्सीन हमको उपलब्ध कराई गई हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हमारे लोकनायक, हमारे मुख्यमंत्री साहब का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे रघु शर्मा जी और प्रताप सिंह जी खाचरियावास, उन लोगों ने काफ़ी चूँकि इस चीज़ पर महत्वता देते हुए और ये वैक्सीनेशन कैंप के लिए आदेश दिया, उन्होंने परमिशन दी। हम यहाँ पर, हमारा क्लब का जो स्टाफ है जो बहुत ही निम्न तबके का है, वो लोग अभी नहीं लगवा सकते, तो उनके लिए प्रायोरिटी देके हमने कोशिश की और उनके साथ जो क्लब के सदस्य जिनके कोई सेकंड डोज या कुछ बची हुई है वो लोग लगवा रहे हैं।